जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसके तहत सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरांत संपूर्ण व्यय एवं नवजात शिशु को एक माह तक होने वाले किसी भी प्रकार की बीमारियों में होने वाले व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा एवं गर्भवती महिलाओं से किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी यानी धात्री माताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्रसव उपरांत 1400 रुपये देने का प्रावधान है एवं सहियाओं को 350 रुपये मिलने का प्रावधान है, मगर उषा देवी एवं उनके जैसे दर्जनों लाभुकों का प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिल पाया है एवं सहियाओं को भी मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके लिए लाभार्थी एवं सहियाओं को बार बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। 8 महीना दिन हो गया है, बच्चा को पैसा नहीं मिला है और अब की बार डिलीवरी होगा तो नहीं जाएंगे। कहाँ डिलीवरी हुआ था? सरकारी अस्पताल में हुआ था। अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला है। खाता उता खोलाए, फोटो वोटो खिंचाए, फिर भी पैसा नहीं मिला है। बोला था कि हाथ में देंगे पैसा, पर दिया नहीं। PHC माथी मोहदा में ले जाते हैं डिलीवरी कराने को, उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है। 24/4/2014 को डिलीवरी कराए हैं, 20/6 को डिलीवरी कराए हैं, उसको भी पैसा नहीं मिला। जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। हम लोग को जो 300 रुपये मिलता है वो भी तो नहीं मिला सही समय पर। डिलीवरी कराने गर्भवती को भी सही समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। बागमारा के जो स्वास्थ्य प्रभारी हैं PHC के, उन्होंने हमारे पेशेंट के साथ, गर्भवती धात्री के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि प्रसव के तुरंत बाद 5 या 7 दिन के अंदर ही वह पैसा उसके खाते में रिलीज हो जानी चाहिए, लेकिन बच्चा जब दौड़ता है तब वो पैसा आता है। बहुत देखे हैं कि किसी किसी का दोबारा बच्चा हो जाता है तब जाकर पहले बच्चा का पैसा मिलता है। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। हम लोग को लाभार्थी को तो पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन सहिया वाला भी पैसा नहीं मिल रहा। सहिया का 2011, 12, 13 ये सब का पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम लोग को कैसे काम करने का मन कर रहा है? सहिया जो काम करते हैं, काहे ले काम करते हैं? दो पैसा के लिए करते हैं ना, आशा के लिए करते हैं ना, से नहीं उसमें हम लोग को कुछ मिलेगा। आप लोग का कोई मानदेय नहीं है इसमें? हम लोग को तो मानदेय उनदेय कुछ है ये नहीं है। मानदेय तो दिया जाता नहीं है हम लोग को। जो हम लोग लाभार्थी से 300 रुपया मिलता है उसमें भी नहीं मिलता है, वो भी एकदम रोका रखा हुआ है पैसा। हमारे देश के प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। हम लोग को नहीं लगता है कि इस तरह की गतिविधि अगर उनके अधीनस्थ अधिकारी चलाएं तो भारत में कभी अच्छे दिन आएंगे। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बागमारा डॉक्टर SM जफरुल्ला के संपर्क नंबर 9431511876 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द सहियाओं एवं लाभार्थियों का प्रोत्साहन राशि सही समय पर मिल सके। मैं हलीमा एजाज, बागमारा धनबाद, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।